तो हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडीचन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की जो हमारी 9 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी वो क्वेश्चन लेके आ गए हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने 9 तारीख को इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि मैंने वहाँ पर एक भाई लगा दिया सेंटर पर, उसको मैंने कुछ पैसे देते हैं तो उसको मैंने लगा दिया। वो जब हमें क्वेश्चन सेंड करता है, मतलब कि कहने का, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, तब तक वो हमको शेयर नहीं करता है। तो हमारी शाम को उसमें बाद मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद वो हमें क्वेश्चन देता है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपकी आज एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट में जो 911 होती है उसमें, या फिर सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शिफ्ट पहले में पूछे जा रहे हैं वही सेकंड में, वही थर्ड में पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि 38 क्वेश्चन में कम से कम 8-10 क्वेश्चन सेम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी की क्वेश्चन, मतलब जो हमारे 9 तारीख हुए उसकी भी अगर वीडियो आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है इस बात के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन उसको ऑल पर प्रेस कर लें। हमारी अगस्त में आईटीआई खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैंने सोचा है जो हमारी रेलवे लोको पायलट में 60,000 वैकेंसी आएंगी, 60,000 दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगस्त व सितंबर में क्लास स्टार्ट कर देंगे 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, मेरी बात समझ चुके हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम के, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग अभी जुड़ चुके हैं मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करें, जिसका आंसर आपको आता है तो कमेंट करें, जिसको नहीं आता है वो क्लास को देखे, कमेंट सभी लोग करें जिनको आता है, ठीक है। चलिए, काफ़ी क्वेश्चन तीनों शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए हैं, तो एक बार मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर कर सकता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए, आप लोग ज़रूर शेयर करना, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, डीसी जनरेटर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे क्या कहते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आए होंगे, कंप्यूटेटर रेजर, बिल्कुल सही, यानी कि इसका सी ऑप्शन। अगर आप लगा के आए होंगे तो यहाँ से आपको एक नहीं दो नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे सब। देखो काफ़ी, देखो हाँ, आंसर करिए, बहुत बढ़िया, सी आंसर आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 2022 में मतलब जो जिन लोगों की 2019-21 से था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब आप लोगों के भी पूछा गया है। मैं कह रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। देखो, अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो डीसी जनरेटर का नाम बताना, ये कौन सा डीसी जनरेटर है, यहाँ पर आप डायग्राम ये देख सकते हो, ये इसको बताना है, बताइए। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बता सकते हैं, डिफरेंशियल संट लॉन्ग संट कंपाउंड, या डिफरेंशियल लघु संट यौगिक, या संचयी लंबी संट यौगिक, या फिर संचयी लघु संट यौगिक, बताइए। बिल्कुल सही, देखो काफ़ी हमारे ट्रेनिंग जितने भी हैं, बहुत बढ़िया, आप लोगों की तैयारी एकदम मस्त चल रही है, आप लगा रहे ए ऑप्शन, तो अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हो तो इसका सही हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, इनको टाइप करवाना बहुत टाइम लगता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, हमें वो नियम बताना, उस नियम को क्या कहते हैं, सभी से लोग समझ जाना, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, उस नियम को क्या मतलब, क्या डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, हाँ ये है। चलिए कमेंट करेंगे, सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे। देखो हाँ, बहुत बढ़िया, जो लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा रहे हैं सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे सभी गलत हैं। बचा क्या हमारा, डी ऑप्शन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जितने भी लोग लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों का, सभी लोगों का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसने ये क्वेश्चन मुझे शेयर किए, जिस भाई ने दिए थे उस भाई को, उसमें क्या उसने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, वो बिल्कुल उसको याद ही नहीं रहा कि सही आंसर क्या हुआ। अब आप लोग सही लगाएंगे, देखिए कितने लोग लगा रहे हैं,
लगाइए जल्दी से सभी लोग, कमेंट करें फटाफट इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे। बहुत बढ़िया, जनरेटेड ईएमएफ 5ZN/60 × P/A वोल्टेज। जो लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं ये सही होगा। देखो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें टप जाओगे, मतलब कहने का मतलब टिप जाओगे, तो जो लोग बी आंसर लगा रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। देख लो थोड़ा बी और सी में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें ए अपॉन पी है, इसमें पी अपॉन ए है, बस यही फ़र्क था, इसलिए उसने बी ऑप्शन लगा दिया। आप लोग ऐसी गलती मत करना, ठीक है। सी आंसर चौथे का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। देखो ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, किसका, डीसी मोटर का पूछा है। देखो इसमें भी बिल्कुल बी और सी में बिल्कुल उसमें सी और डी में बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, क्या फ़र्क है उसमें, क्या माइनस है सी वाले में, इसमें डी वाले में प्लस है। चलिए कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। चलिए कमेंट करें, देखो काफ़ी लोग सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ए बी बराबर बी माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन। जितने भी साथी हमारे सी आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यह है डीसी जनरेटर, इसमें एक्स रूप में चिन्हित भाग को बताना है, इसे बताना है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं। सभी लोग मेरे साथी करेंगे ध्रुव की नोक, ध्रुव की कुंडली, पोल कोर या फिर पोल शू, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे, लगाइए जल्दी से। 6 नंबर का आप लोग क्वेश्चन सही से लगाएंगे, आंसर क्या लगाओगे। देखो काफ़ी हमारे साथी लगा रहे हैं पोल शू, यानी कि राइट आंसर डी, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर डी माना जाएगा, 6 का D, बहुत बढ़िया। देखिए काफ़ी लोगों ने लगाया, चलिए डी डी डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे हमारा ये रहा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन को इनको सेट करना, टाइपिंग करना बहुत लफड़ा रहता है, तो इसमें आप सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी का भी हम पेपर लेके आएंगे बहुत ही जल्द, एम्प्लॉयबिलिटी का भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे डीसी जनरेटर का नाम बताना, ये कौन सा डीसी जनरेटर है, संट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, सभी लोग कमेंट करेंगे एक साथ 7 नंबर का, बहुत बढ़िया। देखो 7 नंबर का लगा रहे हैं, काफ़ी हमारे भाई लोग लगा रहे हैं अलग से उत्तेजित जनरेटर, डी आंसर 7 का D आंसर, बहुत बढ़िया। देखो काफ़ी लोगों ने डी आंसर 7 का लगा रहे हैं, डी डी, बहुत बढ़िया। जो लोग गलत कर रहे हैं वो एक बार सही कर लें, इस वीडियो को दोबारा फिर देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे रहा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। ऊष्मा, गतिशील, रासायनिक या फिर मैकेनिकल, बताइए। ये क्वेश्चन सभी साथी हमारे इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, बहुत बढ़िया। काफ़ी हमारे भाई लोग, सभी हमारे ट्रेनी डी आंसर लगा रहे हैं, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, डी आंसर 8 का आपका सही हो जाएगा। जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, एक जनरेटर फील्ड है इसका हमें नाम बताना है, ये कौन सा नाम है, कहने का मतलब ये है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, चलिए कमेंट करिए 9 का आप लोग क्या लगाओगे, संचयी यौगिक जनरेटर या फिर विभेदक यौगिक जनरेटर, सी और डी में से कोई एक है, चलिए डी डी, बहुत बढ़िया, डी आंसर सही हो जाएगा डी। जितने भी लोग संचय योगी जनरेटर लगा रहे हैं वो एकदम सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत सही। चलिए आगे देख लेते हैं आगे, देखो 3 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप लोग थोड़ा समझ आता हूँ, कट हो गया था, ठीक है। चलिए अब बताइए इसमें क्या, डीसी जनरेटर, वो डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताना है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हो साइड में, इसे हमें बताना है इसका नाम क्या है। चलिए कमेंट करिए 9 का, देखो हाँ बिल्कुल सही, विभेदक यौगिक या फिर संचयी यौगिक, तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला डी आंसर, संचयी यौगिक, डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जनवरी 2022 में भी पूछा गया था, और आप लोगों की जो 9 तारीख को एग्ज़ाम हुई उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को नहीं देख रहे हो, तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझना, ठीक है। चलिए करिए कमेंट करिए 10 नंबर का, देखो हाँ इसका भी डी, बहुत बढ़िया। देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। जितने भी लोग इसका डी आंसर लगा रहे हैं आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है,
उस सूत्र का हमें नाम बताना है और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वी एल साइन थीटा होगा या वी एल साइन थी, मतलब अच्छा वी एल वी। अब देखो सी और डी बिल्कुल मैच कर रहा है, सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा का फर्क है, बिल्कुल है। तो आप क्या लगाएंगे सी आंसर। जितने लोग सी आंसर लगा रहे हैं, जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं वो एकदम सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सी आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे जितने लोग सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, और हाँ साथियों, जो वर्कशॉप वो हमारा इंजीनियर ड्राइंग पेपर ख़त्म हुआ ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का हम करवाएंगे, ठीक है, तीनों शिफ्ट का करवा देंगे और अपनी तरफ से और क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, बहुत जल्द। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, वरना हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिलेगा। चलिए सी ऑप्शन बहुत सही, चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, उस नियम का हमें नाम बताना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सही, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, बताइए सी और डी में से कोई एक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन में इतना चिकराओगे जब आप एग्जाम में बैठोगे ना। जिस भाई ने मुझे दिए ना क्वेश्चन, वो बोल रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा गलत करके आए। बताइए आप लोग क्या इसका सही लगाओगे, बताइए 12 नंबर का बिल्कुल सही। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का तो बिल्कुल, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 13 नंबर एग्जाम में क्या पूछा गया था, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना, ये डीसी इससे क्या होते हैं, स्टेटर, ध्रुव कोर, पोलसू, योक फ्रेम, क्या कहेंगे आप बताइए। 13 नंबर का कमेंट करेंगे, इसे बोलेंगे योक या फ्रेम। जितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं, देखो ध्रुव कोर नहीं होगा, डी आंसर होगा, बहुत बढ़िया। देखो डी डी, काफ़ी लोग आंसर देते रहो, मैं सभी लोगों का देख रहा हूँ कितने लोग लगा रहे हैं, सभी लोग। अब ये मत बोलो मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बस आप आंसर लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये क्वेश्चन मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, अब समझ जाइए कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। 9 तारीख को तीनों शिफ्ट में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। डी पोल मतलब 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, 4, 6, 8, 12 कितने होते हैं वो हमें बताने। सभी लोग कमेंट करेंगे, 14 नंबर का करिए कमेंट, कितने होते हैं बताइए, बहुत बढ़िया। देखो काफ़ी लोग इसका आंसर लगा रहे हैं सी सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे तो ये लग रहा है मतलब कुछ ही लोग हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी, बाकी सभी एकदम तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। चलिए, और हाँ आप लोगों का जैसे एग्ज़ाम छूटेगा ना, आप लोगों शाम को वीडियो मिल जाएगी, मैं इतना बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है, साइड एंड प्लेट्स, ये देख सकते हो ना डीसी जनरेटर भाग के, इसका नाम बताना है कौन सा, डीसी एंड प्लेट्स, पोल सू लेमिनेशन, कंप्यूटर खंड। देखो काफ़ी लोग तो यार आंसर ही दे दे रहे हैं, क्या बात, चलो नीचे पढ़ ही नहीं रहे हैं, नीचे हम पढ़ेंगे ही नहीं, चलिए लगा ही दे रहे हैं डाकर, बहुत बढ़िया। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, डी आंसर 15 का सही आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे देख लेते, क्वेश्चन नंबर 16, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें जो इंटरपोल होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। देखिए, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, या हम कह सकते हैं आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में, और या फील्ड शंट के साथ श्रृंखला में, या फिर फील्ड शंट के साथ समांतर क्रम में। हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन को, जो डीसी जनरेटर होता है वो हमेशा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में होता है, कैसे श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन 16 का ए ए ए ए, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग ए भर रहे हैं कमेंट में, ऐसे ही आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, वोल्टेज का निर्माण करें, फील्ड करंट कम करें, आर्मेचर करंट कम करें, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे एक साथ इसका, 17 का सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे, वोल्टेज का निर्माण करें, वोल्टेज का निर्माण कितने लोग लगा रहे हैं, ए वाला कितने लोग लगा रहे हैं, ए ऑप्शन 17 का ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों का यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा, चलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, डीसी मशीनों में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं,
तो आप लोग इस एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन सही करके आओगे तो इसका 2 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा घुमाव है ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच, पर तो सी ऑप्शन 18 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया, यहाँ पर देख सकते हो, इसे बताया ये वाला एक्स के रूप। बताइए पूर्ण लोड वोल्टेज पात, आर्मेचर वोल्टेज पात, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, एब्सेंट फील्ड ड्रॉप। बताइए 19 का आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, क्या सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग सी आंसर लगा रहे हैं। ये रहा हमारा कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि संट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो। बताइए, तो हमेशा याद रखना वो जुड़ा हुआ होगा तो लघु संट यौगिक, लघु संट यौगिक। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये बता देता हूँ, ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, अब मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो है थर्ड शिफ्ट के, जो शाम को इवनिंग में पूछे गए थे। चलिए उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन मिले थे वो, ये इवनिंग वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे साथ में। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता जो होती है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, आप कैसे बताएंगे कैसे किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे सर ये होता है मेगा वोल्टेज एम्पियर। कितने लोग सी आंसर लगा रहे हैं, इसका सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर बहुत सही, सी सी बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो डायग्राम, मैं फिर कह रहा हूँ डायग्राम को आप अच्छे से कर लेना, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको डायग्राम से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये सही है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत, यानी कि सही वाला गलत कर लोगे, गलत वाला सही कर दोगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, उस इंसुलेटर के नाम बताना। देखो पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रॉन इंसुलेटर या सोकल इंसुलेटर, तो इसका आप लगाएंगे सही आंसर डी। डी कितने लोग लगा रहे हैं, सोकल इंसुलेटर, ये बिल्कुल सही आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, जितने भी लोग डी आंसर लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है, सूर्य, गर्मी, कोयला, बायोगैस। बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का प्राकृतिक, बिल्कुल सही, काफ़ी लोग इसका पहले आंसर लगा दिए सूर्य, सूर्य जितने भी लोग लगा रहे हैं आपका सही आंसर माना जाएगा। देखिए इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, सुबह से बंदा 9 बजे जाता है और वो 6-6:30 बजे अपने रूम पे आता है, समझ सकते हो इस बात को। चलिए तो इसमें आप लोग सपोर्ट जरूर करना, ठीक है, सपोर्ट कुछ नहीं करना, अभी हमारी एम्प्लॉयबिलिटी क्लास आएगी, इसके बाद ड्राइंग की हम वीडियो देंगे आपको, तो जब भी मिलेगी जब आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, इन ये वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए इतना ही आप लोगों से चाहते हैं, ये किस किसका क्या हुआ, ए ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज की वो 9 तारीख को, स्वचलित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है, गीजर, ग्राइंडर, टेलीविज़न या पंप मोटर। क्या पूछा उसका अनुप्रयोग पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीविज़न, जितने लोग टेलीविज़न लगा रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। बहुत बढ़िया, सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था क्या, अच्छा UPS की फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म तो 3 आई थी लेकिन उसको याद नहीं रहा, एग्ज़ाम में 3 पूछी गई थी फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड में भी 1-2 पूछी गई थी, चलिए उसको याद नहीं रहा तो ये वाली याद रही उसको, UPS की, जिसने उसको बताया था अनडिरप्टेड पावर सप्लाई, ये सही हो जाएगा। जितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही, डी आंसर वाले सभी साथी सही है, जितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण फुल फॉर्म पूछा है क्या होता है, सभी लोग करेंगे कमेंट, बेसिक ऑपरेशन पैनल, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल यहां से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में अगर ये सही करके आए होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, उस हमेशा याद रखना, बिल्कुल सही, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं, सेंसर या फिर संकेत दीपक से, तो आप बोलेंगे सेंसर से, राइट आंसर ए हो जाएगा, जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, तो कौन सा है वो हो जाएगा आर, आर हमारा सही हो जाएगा। देखो थर्ड शिफ्ट में मैंने देखा कि
मैंने खुद एनालाइज़ किया इस बात को कि फर्स्ट और सेकंड में यार टफ पूछे गए, लेकिन थर्ड में जो एग्ज़ाम आए, क्वेश्चन आए, वो सरल पूछे गए थे, सरल पूछे गए, ठीक है। तो हो सकता है उनकी लक है इस बात के लिए, जो थर्ड वाले हैं ये सोचते हैं हमारा टफ आएगा, तो उनका सरल आया था पेपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक सक्रिय यानी एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है, वो हमें बताना है। इंडक्टर है, रेजिस्टेंस, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, क्या है? तो वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांजिस्टर। कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं? डी आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे जितने भी लोग लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन छोड़ के ये क्वेश्चन आप बताइए पहले, जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कौन से नियम का हम उपयोग करेंगे? तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गलत हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर लगा के आए, लेकिन जिसने दिया है वो भी गलत करके आया, सी ऑप्शन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इसका होगा बिल्कुल सही डी ऑप्शन वाले, दाहिने हाथ का नियम। जितने भी लोग लगा रहे डी ऑप्शन, वो सही करके आए होंगे। अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब करवाऊँगा। सार्वभौमिक मोटर का अनुपयोग कौन करता है? तो भोजन मिक्सर या जेट पंप या टेली प्रिंटर या जो भी है, इसका आप लोग हमें कमेंट करके बताना। अभी मत दो, जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद कमेंट करना। अब मैं इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से आखिरी में कि आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप वीडियो देख के निकल जाओगे तो हम जितनी मेहनत से आपको, देखो कुछ लोग तो बस ऐसे ही बना रहे हैं वीडियो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ आपको सही और सटीक क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसको जो बेल आइकन है घंटी, उसको ऑल पर प्रेस करेंगे। देखो सब्सक्राइब करने को पैसा थोड़ी नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन दबा दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ITI संबंधित, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, ये थोड़ी ITI, इसके बाद हम मेट्रो की एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, लोको पायलट की भी हम तैयारी करवाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। तो आप लोग उसको सपोर्ट करें। और अभी जल्दी से तुरंत आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास रेडी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।